वेलकम टू अली फैमिली व्लॉग्स। और आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं हम लोग। ट्रैवलिंग नहीं है ये, घूमने जा रहे हैं। इरफान को घुमाने ले जा रहे हैं हम लोग। ये रहा वो। हाय गाइस। हाय गाइस। इस बार बहुत छोटा था तभी आया था। हाँ, ये बहुत ज्यादा छोटा था, अभी इस बार आया है तो न्यू कुछ घूमने की चीज है तो वो घूमने घूम चुका है। घूम चुका है, वैसे हर जगह घूम चुका है, बट लेकिन क्या है कि एक बार और सोच रहे कि हम लोग वहाँ पर जाएं ताकि मेमोरी बन सके और अच्छी, तो वो करने जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे, 5 बजे की टिकट थी, लेकिन यहाँ पर 4:45 बज गया है। 10 मिनट में हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। देखना पड़ेगा कि क्या आज यही देखना है कि तू पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाएंगे। पहले से पता है 10 मिनट में पहुँच ही नहीं सकते, पार्किंग से ही गाड़ी निकलने में 10 मिनट लगते। चलो 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 चलो। सो गाइस, यहाँ पर 20 मिनट दिखा रहा है, 5:30 बजे बंद होता है, लेकिन हमारी तो टाइमिंग 5 बजे की है। पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच तो जाएंगे बट लेकिन कब पहुंचेंगे। गर्मी बहुत हो रही है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी। तो गाइस, हम लोग आ गए देखकर, आधे घंटे का शो बाकी था, बंदा अच्छा था जो एंट्री करने दे दिया। अब हम लोग चलते हैं। कहाँ चलना है? कहाँ जाइएगा तुम बताओ? चिले कहीं भी अच्छी, तुम बताओ, जल्दी से बता दो। अरे अच्छे से हमको नहीं पता है यार, कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना है, क्या है नहीं है। अगर नहीं बताओगे तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। जाओ, गरम गरम भाप निकल रहा आसमान से। बारिश का मौसम हो गया है कम्प्लीट। मौसम बहुत सही है, लेकिन मौसम हो गया है एकदम खतरनाक। और हमारी प्लानिंग है अब कुतुब मीनार जाने की। यहाँ पर दिख रहा है, अभी मैंने मैप में देखा था कि उसकी टाइमिंग है 8 बजे तक। लेट्स सी, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और चलेंगे, ऐसे कैफे में चलेंगे जहाँ पर कुतुब मीनार देखने को मिल जाए। अभी सबसे पहला जो था वो है नेहरू प्लानिटेरियम, जिसमें हमें आधा घंटा देखने को मिल गया। लक था। वो बंदा आके बोल दिया कि वहाँ आ जाओ, पीछे साइड से आ जाओ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के पास। टिकट यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 35 रुपये का मिलता है, अगर नॉर्मल कैश में लेते हो तो फिर 40 रुपीज़ का आएगा। सो 5 रुपये अगर बचाना चाहते हो तो ऑनलाइन बुक कर लेना। हम दो लोग थे तो 70 रुपये लगा। मैं बैग का करके आपको दिखाता हूँ। मैं जानबूझकर शाम में आया हूँ ताकि ये लुक, ये इन्वायरमेंट को देख सकूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो DJI Osmo से है। मैं इसका भी दोनों चीज़ दिखाऊंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर ये मज़े ले रहा है एनवायरनमेंट का। यहाँ पर अभी एक बहुत अच्छा सा लुक आएगा जब यहाँ पर फ्लाइट आएगी, इसके जस्ट ऊपर से आती है, यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट इसलिए। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, DJI Osmo में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो बनाता है, जिसकी वजह से जो भी शेकीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। मैं भी कुछ टाइम पहले भी आया था, किसी इवेंट के लिए आया था यहाँ पर, एक्चुअली कोई टूर था, वीवो का कुछ इवेंट था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना था। यहाँ पर हमें फ़ोटोग्राफी करनी थी तो उसके लिए आया था मैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर पीछे से दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख रहे हो आप कितना अच्छे से काम किया हुआ है यहाँ पर, ये सब चीज़ देखने का है यहाँ पर। ये देखो पीछे फ़ोटोशूट चल रहा है। ये वैसे जो इसकी जो है ना, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, बहुत लोगों को पता है। तो सो गाइस, ये जो है ये एरिया कम्प्लीट, और ये जो कुतुब मीनार है, ये जो आप देख रहे हो, ये बिल्ड किया गया था 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक से, और ये पहला फर्स्ट सुल्तान थे एक्चुअली, और ये मुस्लिम रूलर थे। और यहाँ पर देखो ये जो जा रहा है, मस्त था ये लुक, अच्छा आता है वैसे, मुझे हमेशा यही पसंद आता है।
तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने बनवाया था, और ये पहले लाइक मुस्लिम रूलर थे जो दिल्ली के थे। उन्होंने पूरा ये कंप्लीट करवाया था अप्रॉक्स 1368 में, और जो लास्ट के जो बादशाह थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट इसको करवा दिया वो फिरोज शाह तुगलक करके थे, वो थे। तो उन्होंने ये कंप्लीट करवाया, शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से और फिरोज शाह तुगलक से ख़त्म हुआ। और यहाँ पर जो आगे है तो ये वैसे एक नायाब सा दिखता है। अब यहाँ से अगर आप ये देखो तो ये पहले क्या होता था कि यहाँ पर इसके ऊपर भी जा सकते थे, बट लेकिन कुछ इसकी हिस्ट्री है जो बहुत ही डार्क सी है। मुझे सर्च करना पड़ेगा एक्चुअली, वो चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो एक बार सर्च करके और मैं आपको बताता हूँ। रुको, वो चीज़ सुनने में बड़ा मज़ा आएगा आपको, जो यहाँ पर ऊपर में की एक हिस्ट्री है जो 90s की है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें बहुत सारी अरबिक आयतें जो है कुरान की आयत वो सब है शायद इसमें लिखी हुई, और इस तरीके से यहाँ पर हर इस पे लिखा हुआ, जैसे ये इस जगह पर भी है, एंड देन अगर मैं ऊपर की साइड से दिखाऊँ तो वो भी है। यहाँ पर कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना वैसे ये। तो जो ये स्टैंडिंग कुतुब मीनार है, ये टॉलेस्ट ब्रिक बोलते हैं वर्ल्ड में, यूनेस्को का ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है, और अप्रॉक्सीमेटली ये 73 मीटर का है। इसको कंसिडर भी किया जाता है कि ये टावर ऑफ विक्ट्री है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 12th सेंचुरी में। ये एक तरीके का मार्क है, तीन स्टेज में अप्रॉक्स ये बना था ये कंप्लीट। सबसे पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया था, जो फर्स्ट स्टोरी बनी थी। फिर शम्स उद्दीन करके एक थे, उन्होंने तीन स्टोरी मतलब टोटल बनाई इसकी, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट कर दिया इसको 13th या 14th सेंचुरी में एक्चुअली। और उसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई थी जो कुवतुल इस्लाम करके नाम था उसका, और उसको भी इसी जगह पर बनवाया गया था, जो कि आप यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है वो, इसके इधर अभी तो यहाँ पर बंद हो चुका है ये, बट लेकिन ये बनवाया था। इसके अंदर अप्रॉक्स 379 स्टेयर्स हैं, जो ताकि अगर इस पे से चल के जाओ तो वो ऊपर में पहुंच सको, इतना है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, 379 बहुत है उस टाइम पे, इतना होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और गाइज़ ये जो आयरन पिलर है, इसकी जो फैक्ट है वो ये है कि इसको 2000 साल हो चुका है, और तकरीबन 2 सेंचुरी तक इस पे कोई रस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया, और ये है इसकी सच्चाई। और इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सब थोड़ा बहुत टूट चुका है, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। बहुत टूट चुका है क्योंकि अरे यार टाइम हो चुका, हज़ारों साल हो चुके हैं। हज़ार साल आप सोच रहे हो, हज़ार साल में 10 पीढ़ी निकलती है या 12 पीढ़ी निकल जाती है। ये कुछ नया लग तो रहा है कि नया लगा है इसको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो नीचे से टूट रहा है ना वो उसकी वजह से यहाँ पर बीच बीच में लगाया गया, नहीं तो ये और टूट जाता, और ऊपर का तो पूरा ही टूट चुका है। तो इस तरीके से है यहाँ पर। अब यहाँ दूर से देखा जाए तो कुतुब मीनार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा पीसफुल सा लग रहा है। ये देखो आप, एक साथ आयरन पिलर भी, कुतुब मीनार भी। अगर हम 1-2 मिनट यहाँ पर रुक जाएँ तो एक और एरोप्लेन आएगा यहाँ पर और दिखिएगा। गाइस अगर आप यहाँ पर आते हो तो सनसेट के टाइम पे आओ, और उसके बाद 1-2 घंटा यहाँ पर टाइम बिताओ और फिर चले जाओ, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट है। समर के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा है कि भाई नहीं पूरे दिन में जाना है तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेकिन गर्मी में क्यों आना, ये जो टाइम है बेस्ट टाइम है, ना ज़्यादा गर्मी है और बहुत अच्छा लाइट वाइट भी है, सीन अच्छा है। फ़ोटोज़ में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपको मज़ा तो चाहिए ना। दो बार आ जाना दिन में, ऐसा आना आप एक बार ऐसा करना है कि सनसेट के टाइम पे आना, जो मैं बता रहा हूँ ना वैसा करना, सनसेट के टाइम पे आना, फ़ोटो वोटो खिंचा लेना, और उसके बाद फिर आना यहाँ पर, रात का सीन भी इंजॉय कर लेना। सो गाइज अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सामने कुछ हो रहा है, अब आपको आवाज़ जो आवाज़ आ रही है ना वही देखने जा रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, देखा जाए क्या। चलिए गाइज अभी जो यहाँ पर व्यू आ रहा है वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि बिजली भी कड़क रही है और कुतुब मीनार भी दिख रहा है और सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। देख रहे हो कैसा, ओ भाई ओ भाई, क्या मस्त व्यू है यार, वाह।
हम लोग आ चुके हैं इन लोगों के साथ टीम में। ये लोग बेचारे हमारे भी ना बोर हो रहे थे, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम इन लोगों को एंटरटेन के लिए। हाय जवान, और ये भी लाइव है। हेलो अपने ब्रॉडकास्ट। हाय गीता। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। सो गाइस आज हम लोग बहुत जगह घूम कर आ चुके हैं, खाना पीना भी खा लिया बहुत सारा। क्या क्या खाया हमने? मोमोज खाए हैं। दिखा नहीं पाए क्योंकि यार थक गए थे और मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का उस टाइम पे। तो फिलहाल इसको भी लेकर गए हैं। ये क्या है? ये बादाम केसर। बादाम लस्सी था। बादाम लस्सी नहीं है, शेक है। मिल्क शेक था। मिल्क शेक टाइप है। तो अब हमारा यहाँ पर व्लॉग हम एंड करते हैं, आज का दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले कोई न्यू व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।